अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज़ी पुलाव, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने घी, तकरीबन 1 कप घी ले लिया, उसे गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद फिर मैं उसमें चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई प्याज डाल दूँगी। इससे थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा कलर निकल आए, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे ढाँप दूँगी। ढाँपने के बाद ताकि इसका कलर निकल आए, मैं आज कलर दाल चावल बना रही हूँ। तो इसका जब कलर थोड़ा सा निकल आए तो फिर इसमें तमाम मसाले, नमक, दड़ा मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर इसमें मैंने डाल दी है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला। डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें सब्ज़ी, आलू और गाजर की सब्ज़ी, उसमें उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली थी, वो भी सब्ज़ी के साथ ही डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने वह थोड़ा सा इसे फ्राई किया है, इसे भूनने के बाद अच्छे से भूनना है ज़रा, ताकि तमाम मसाले इसमें रच बस जाए। तो फिर इसे भूनने के बाद मैंने 1 किलो मेरे पास चावल थे, मैंने 3 पाव इसमें पानी डाला है। अगर आप इस तरह डालेंगे तो आपका चावल बिल्कुल अकेला अकेला और खिला खिला इतना ज़बरदस्त चावल बनेगा। जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद जब हमारा पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैंने इसके ऊपर धनिया डालकर इसे दम पर लगा दिया, तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट दम लगाने के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। और जब हम दम हटाएंगे, फिर हम इसे ढक्कन हटाने के बाद हम फौरन चम्मच नहीं चलाएंगे, तकरीबन दो तीन मिनट बाद चम्मच चलाएंगे। देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं, बिल्कुल अकेले अकेले, बहुत ही मज़ेदार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।